Hey guys. How are you? How are you? Hey guys, welcome to another vlog. तो चलो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं आज हम लोग. हाँ, और इस इन्फॉर्मेशन में आज हम लोग इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग आज क्या बताएंगे मतलब साहब? तो बात करने वाले हैं जो हरियाली है ना उसको कैसे मेंटेन किया जाता है. अगर पेड़ों की कटाई टाइम पे नहीं हो तो उनका ग्रोथ रुक जाता है. उनकी ग्रोथ के लिए उनकी कटाई करना भी जरूरी है. हाँ, और यहाँ पे जो ट्रिम करते हैं और मेंटेन करते हैं ट्री को वो नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं. अरेंज ने यहाँ पे पूरा हैंड गंदा कर लिया, मौके का फायदा उठा के खुद ही खा रहा है. एक छोटी सी चीज, वैसे एक चीज है, हमारे वीडियो को जो सब्सक्राइब्ड है वो बहुत कम लोग देखते हैं और अनसब्सक्राइब्ड लोग ज्यादा देखते हैं. मोस्टली 70% लोग जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है. तो प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. इट्स टोटली फ्री और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पे ट्री है उनको कैसे मेंटेन किया जाता है और आगे उसके बाद उनकी कटाई कैसे होती है और कटाई के साथ साथ उसके बाद उनका क्या यूज़ किया जाता है कटाई होने के बाद. और इसमें हम ये भी बताएंगे कि क्या यूज़ एंड वेस्ट क्या होता है और ये कितना अलग है यूएसए में, इंडिया से कितना अलग है यूएसए में. तो अभी आप जो ये देख रहे हो ये बड़े बड़े जो मशीन हैं, ये क्रेन जैसे मशीन आते हैं और मतलब इसमें 3 या 4 लोग का ही बस काम होता है और सारी जो चीज़ें होती हैं वो मशीन से होती हैं. और बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी मशीन से क्रेन जैसी और वो आती हैं और आप ये सारा प्रोसेस अभी देख रहे हो. कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद ये आगे क्या करते हैं ये अभी आपको बताते हैं. और कटिंग के अलावा मशीन तो कटिंग करती है, कहीं कहीं हाथ से भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है क्योंकि मशीन हर जगह कट नहीं कर सकती और उसको एक प्रिसाइसली कट करने के लिए फिर हाथ भी यूज होता है. तो जो आप देख सकते हो कि लोग कैसे चढ़ के ऊपर कटाई कर रहे हैं तो ये मैनुअल भी यहाँ पे काम होता है. सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि वो मशीन से ही होती हैं, तो मैनुअल भी करना पड़ता है और मैनुअल के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है क्योंकि काफी हाइट पे होती है और उसमें कैसे चढ़ के मैनुअली कटिंग करते हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. और उसके बाद जब पूरी कटाई हो जाती है तो फिर इन सबको डाला जाता है एक मशीन में जहाँ पे उसको एकदम पूरा कुतरा जाता है. जैसे वो अपने यहाँ चारा बनाते हैं, जैसे चारा अपने यहाँ बनाते हैं जानवरों को, वो आजकल तो अब वहाँ पे भी मशीन आने लगी है ना चारा बनाने का. अदरवाइज वो पहले वो हाथ से करते थे इस टाइप से और एक तरफ से डालते जाते थे और एक तरफ से ऐसे हाथ चलाते थे. पट्ठे बोलते हैं पंजाबी में, पट्ठे. हाँ, अब पता नहीं और क्या बोलते हैं. वैसे ना एक बार मैंने उससे साग भी काटा है पंजाब में. वो वैसी ना मशीन आती है छोटी सी पोर्टेबल जिससे साग कटती है, तो एक तरह से वो जानवरों का जो चारा जैसे बनता है वैसे इंसानों का भी खाना बनता है. अजय कम हियर. ओ ओ ओ बॉल आ गई और ये बॉल से कौन खेल रहा है? रियान. रियान कैच गो प्ले. और जब वो पेड़ कट जाता है उसके बाद उसको मशीन में डाल के जब उसको छोटा छोटा चारा के रूप में काट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मल्च. मल्च होता है वो यहाँ पे यूज होता है गार्डनिंग में. तो जितने भी गार्डन्स होते हैं या फिर जो भी आउटडोर एरिया होता है तो जो प्लांट और जो सॉइल होता है उसको प्रिजर्व, उसके मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर एक गार्डन बेड टाइप से उसको तैयार कर देते हैं ना, सॉइल के ऊपर उसको बिछा देते हैं. मतलब जो हम लोगों ने चारा बनाया था उसको फेंका नहीं जाता है, उसका रीयूज किया जाता है और उसको रीयूज करने के लिए लोग अपने घर के सामने भी उसको रखते हैं. जैसे प्रिया ने अभी बताया कि वो मॉइस्चर का काम करता है और उसके अलावा गार्डन्स मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है. तो इवेंचुअली वो पेड़ जब कटता है तो उसका यूसेज तो है ही, बाद में भी वो काम आता ही है. हाँ, उससे क्या होता है कि जब उसको एक्चुअली मैं दिखाती हूँ, जैसे टुकड़े होते हैं ना पेड़ों के, आप देखोगे छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े वो बिछे हुए रहते हैं. तो देखने में तो आपको ऐसे लगेंगे कि लकड़ियों के टुकड़े क्यों बिछाए हैं, बट वो बहुत अच्छा फर्टाइल का काम करते हैं, कंपोस्ट का काम करते हैं वो. और उससे क्या होता है कि जो अगर ज़्यादा जहाँ पे पानी जमा होता है तो उससे पानी भी
मतलब वहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा एक काम करती है गार्डन सॉइल के लिए या आउटडोर सॉइल के लिए। और जैसे ये ट्री को ही काट के ट्री व्हाट इज दिस ओके पहले यहाँ पे बैठे तो मुंह साफ कर दो। चलेंगे सेलफोन क्या होता है सेलफोन क्या होता है नहीं ज़ाइलोफोन बोल रहा है। हाँ ज़ाइलोफोन चलेंगे। पहले तुम्हारा बॉल वहाँ चला गया लेकर आओ पहले बॉल लेकर आओ लास्ट टाइम बॉल लेकर आओ वो बॉल लेकर आओ फिर ज़ाइलोफोन पे चलेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि पलट दिया मुझे ट्री से ही वापस से उसको ही उगाने का काम करते हैं उसी को यूज करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको वेस्ट कोई भी चीज़ उसका एक पत्ता तक वेस्ट नहीं होता है जैसा आप देख रहे हैं कि एकदम और बहुत फटाफट ये काटते हैं। मशीन जो होती है बहुत पावरफुल होती है उसका जनरेटर लगा कम से कम 20 से 25 ट्री चार घंटे में कट हो जाते हैं पूरे के पूरे मतलब ऑसम स्पीड एक्चुअली। हाँ तो बहुत बहुत सही चीज़ है यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये चीज़ हो सकता है इंडिया में भी ऐसी होती होगी मैंने अभी तक नहीं देखा लेकिन हो सकता है अब बहुत सारी चीजें वहाँ पे भी चेंज हो गई होंगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन सब जगह है बट हम लोगों ने इवेंचुअली नहीं देखा पता नहीं क्यों नहीं देखा शायद नहीं होता होगा। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो नहीं हुआ अब कोई एडवांस जगह पे होता होगा तो पता नहीं। और चीजें सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहती है अगर आपने कटिंग की है कोई भी चीज को फैलाया है तो यहाँ पे उसका समेटने का और उसकी सफाई करने का की भी जिम्मेवारी आपकी ही बनती है जिन्होंने कटिंग किया। ये नहीं है कि अगर मैंने कटिंग करवाया है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है लोग आते हैं अपना काम करते हैं और आपको वैसे ही जैसे आपने उनको दिया है नीट एंड क्लीन आपको वापस देके जाते हैं। 5 मिनट के अंदर पूरी सफाई हो जाती है जहाँ भी पेड़ कटता है एकदम क्लीन पूरा एकदम मिट्टी भी हटा देते हैं वहाँ से। तो हाँ सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं प्रिकॉशन पूरा लेते हैं कि उनके काम की वजह से कोई और नुकसान ना हो। और एक चीज और है अगर आपके प्रीमाइसिस में कोई ट्री है मान लो ये मेरा कैंपस है और इसमें अगर ये जैसे ये पीछे वाला ट्री मेरे कैंपस में है तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कैंपस की ही चीज़ों के ट्रिम और मेंटेनेंस देखूंगी बाकी चीज़ों का हमारा कोई हक नहीं बनता है। जैसे कि अभी एक आप ये ट्री देख रहे हैं इसमें क्या है ये दूसरे कैंपस में ये ट्री है बट उसकी कुछ जो ब्रांचेस है वो हमारे कैंपस में आ गई थी तो हमारा ये हक बनेगा कि हम जो वो ब्रांचेस है उसको ट्रिम कर सकते हैं बट उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं उसका टच भी नहीं कर सकते। अदरवाइज यहाँ पे सू बहुत कर देते हैं लोग बात करते हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अपना ट्री भी बहुत मेंटेन करना पड़ता है एक्चुअली में तो क्योंकि आप उसको एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हो अगर वो ज्यादा हो जाता है तो फिर अगर स्पेशली दूसरे के घर में या दूसरे के कैंपस में जाने लगता है तो देन अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि वो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट ना करे। तो इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने की कोशिश की कि कैसे ट्री को मेंटेन करते हैं और कैसे उसका रीयूज किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी छोटी सी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए